और जहां सत्ताधारी पार्टी जोर शोर से चुनावी रण में कूद पड़ी है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है। शाहगंज नगर पालिका से सपा प्रत्याशी रचना सिंह भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रचार करने में जुटी है और रचना सिंह के पति वीरेंद्र सिंह बंटी से बात की हमारे संवाददाता प्रियम पाठक ने। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशी प्रचार और प्रसार पर जोर दे रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के जितने भी प्रत्याशी हैं वो अब जनता के बीच जाकर अपने अपनी बातें रख रहे हैं और उनके उनसे अपना समर्थन जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। शाहगंज नगर पालिका की बात करें, समाजवादी पार्टी की तरफ से रचना सिंह को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए उनके पति वीरेंद्र सिंह बंटी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो जनता के बीच में लगातार जाकर अपनी पत्नी के लिए समर्थन जुटाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर वो प्रयास कर रहे हैं कि जो मतदान हो वो उनके पक्ष में हो। क्या कुछ फिलहाल माहौल है, किस तरीके के रुझान मिल रहे हैं और जनता का किस तरीके का साथ मिल रहा है, उस पर हम बात करेंगे वीरेंद्र सिंह बंटी से। बंटी जी, कैंपेनिंग लगातार जारी है, जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल फिलहाल अभी देखने को मिला है? ये तो आप सब लोगों का नमस्कार। थोड़ा गला खराब है तो उसके लिए थोड़ी वॉइस में क्लियरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, अपनी बातें समझा रहा हूँ और समर्थन तो ऐसा मिल रहा है और आशीर्वाद तो इतना ज़्यादा मिल रहा है कि आँखें छलक जा रही हैं। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अभी जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है, मतलब आप क्या बातें लेकर जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरा बस दो ही मुद्दा है, विकास और विकास हो क्षेत्र का और भ्रष्टाचार ना हो। तो ये सब मुद्दे हैं मेरे कि विकास ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाएगा, जो भी काम होगा तुरंत होगा नगर पालिका में, भ्रष्टाचार एकदम जीरो रहेगा, किसी भी चीज़ के लिए उसमें कोई भी टॉलरेंस मतलब किसी भी तरीके का मतलब भ्रष्टाचार पे तो कोई समझौता करना ही नहीं है हम लोगों को, और सबके साथ न्यायपूर्ण कार्य किया जाएगा, किसी का पार्टी नहीं बना जाएगा दूसरे पक्ष का, तो जो भी न्यायोचित कार्य होगा वही किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी 14 तारीख के मतगणना के लिए कि आपके पक्ष में रुझाना है। तो बिल्कुल माहौल बना हुआ है, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये 14 तारीख को आने वाले रुझान बताएंगे कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसको दिया। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, शाहगंज, जौनपुर। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशी प्रचार